वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है अक्सर सीमेंट। आज आपने जैसे ही देखा होगा इस शेयर ने जो अपनी क्लोजिंग दी थी वो 278 रुपये क्लोजिंग दी है और करीब आप देखोगे ना 13.80 रुपये हाई पे क्लोज हुआ ये। और जो लास्ट डे हमारा जो क्लोजिंग प्राइस था वो था 264 रुपये और जो ये शेयर हमारा ओपन गया है वो 267 रुपये तक पे ओपन हुआ था। जो हाई गया था 287 रुपये पे और लो गया था वो 263 रुपये पे। ये हमारे तीन प्राइस निकल के आए हैं। अब हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में मीन्स कि आने वाले जो मंडे को मार्केट ओपन होगी तो हमारा इस शेयर का क्या रहेगा। मीन्स ये जो ट्रेंड है आगे ऐसा ही रहेगा कि इस शेयर में किसी को बाइंग करनी कि नहीं करनी चाहिए उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम आते हैं टिकट ऐप पे। मैंने ऑलरेडी ये शेयर ओपन किया हुआ है तो हम यहाँ पर जो देखते हैं एंट्री पॉइंट का ठीक है कोई सुनिए और डिविडेंड पेइंग कंपनी है ये वो भी चेक कर लेते हैं। जो हमारे पास एनालिस्ट की रिपोर्ट है फोरकास्ट में उसमें किसी भी एनालिस्ट की रिपोर्ट नहीं है। इसके लिए किसी ने नहीं बोला तो कोई सुनी। हम अपने उस पर जाते हैं फाइनेंशियल पे जाते हैं एक बार। जैसे हम फाइनेंशियल में गए हैं तो यहाँ पर हमने देखा है जो इसका जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर थोड़ा कम हुआ है पर ओवरऑल थोड़ा प्रॉफिट हर साल थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है 2020 को छोड़ के। तो इसमें आपको पता ही है कि काफ़ी इशू थे। जो इनका नेट इनकम है वो भी थोड़ी डिक्रीज़ हुई है लगातार। आप देखोगे ये आपके सामने ही है तो ये तो कोई से चलो आगे और चीज़ें देखते हैं हम इसमें। जब इसके बाद हम आते हैं अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। अगर यहाँ पर हम आते हैं तो हमें सबसे अच्छी लगती है कि प्रमोटर के पास मैक्सिमम होल्डिंग है। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ अगर किसी शेयर में प्रमोटर अपनी होल्डिंग छोड़ कर भाग चुका है मतलब प्रमोटर ने अपने सारे शेयर मतलब बेच के निकल चुका है तो उस कंपनी में हमें देखना चाहिए उसमें होल्डिंग। कभी भी शेयर बाय करते समय आप जैसे एग्जांपल बताता हूँ एक आरकॉम कंपनी थी उसके जब भी आप देखोगे ना शेयर होल्डिंग पैटर्न उसमें जो प्रमोटर पर शेयर है ही नहीं उसके वो शेयर वैसे ही ट्रेड हो रहे हैं इधर उधर पड़े हैं कहीं किसने ले मैक्सिमम सारे शेयर उनके रिटेलर के पास पड़े हैं रिटेल ने ले रखे हैं सारे कि 2-3 रुपये का शेयर है बस। और म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग है इसमें पर म्यूचुअल फंड ने लगातार होल्डिंग अपनी कम की है पर होल्डिंग है कोई नहीं और होल्डिंग ये ठीक है जी। अब इसके बाद हम आते हैं इसके टेक्निकल ओपन करते हैं। टेक्निकल में आपके लगे यहाँ मतलब जिस तरह यहाँ पर बायर एग्रेसिव है तो आने वाले टाइम में जो है ट्रेंड है ये मंडे को भी रहेगा मैं कहता हूँ। ये बस आपने जब भी बाय करना एक बार मार्केट को वॉच करके ट्रेंड देखना है जिस तरह बायर एग्रेसिव है तो इस शेयर के प्राइस और भी ऊपर जा सकते हैं। जो हमारे पास स्टॉप लॉस का जो लेवल आएगा यहाँ पर वो भी हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर जो हमारे लेवल आए हैं जो हमें मेंटेन करना है जो हमारे पास इसका स्टॉप लॉस आ रहा है वो करीब हम मानते हैं 270 रुपये का हमें मेंटेन करना है। और जो हमारा रेजिस्टेंस फेस हो रहा है वो करीब 281, 82, 83 आप 285 या मैं 283 रुपये का आप स्ट्रॉन्ग रखो इसको अगर ब्रेक कर देगा ये तो आने टाइम में हमें काफ़ी अच्छे वो देगा अच्छे लेवल पर ट्रेंड करता मिलेगा। तो सबसे पहले ये चीज़ें हम क्लियर करने चार्ट पे आते हैं। चार्ट के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस शेयर का नाम सीधा पेस्ट कर देते हैं। जैसे मैंने पेस्ट किया यहाँ पर हमारे पास 1 घंटे की कैंडलस्टिक वाला चार्ट ओपन हो गया। हमने इसमें जो अब यहाँ देखो आप जो हमारे पास इसका रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है करीब 283.27 रुपये ये हम नोट कर लेते हैं 283 रुपये अब 283 रुपये रखो। और जो हमारे पास स्टॉप लॉस आ रहा है इसी प्राइस पर स्टॉप लॉस रखते हैं करीब 265 रुपये का हमारे पास आ रहा है 265 का स्टॉप लॉस आ रहा है। और अगर ये इन लेवल को ब्रेक करता है तो हमें जो अगले लेवल मिलेंगे वो आपके सामने ही है। अगर इसको तो अगले लेवल जो हमें मिलेगा
आप देखो वो 290 रुपये तक मिल सकता है, 290, 296 या 300 रुपये तक, मैं कह सकता हूँ, मैं 300 नहीं, मैं 298 तक के लेवल आपको कह सकता हूँ। आने टाइम में 298 रुपये तक का आपको लेवल मिल सकता है इसमें, अगर इसने इसको ब्रेक करता है और सस्टेन करता है उस चीज़ पे। ब्रेक करना होता है कि कुछ टाइम वहाँ पर ट्रेड भी करे वो, तो हमें ये चीज़ देखनी है। और जिस तरह मतलब सीमेंट के हर सेक्टर में जिस तरह मूव आ रहा है, मतलब सीमेंट के लगभग आज की डेट में सारे शेयर थे, मुझे लगता है कोई सीमेंट का ऐसा शेयर हो जिसने लो पे क्लोजिंग दी हो, लास्ट डे जो क्लोजिंग पर उससे लो कोई नहीं गया, सारे हाई गए हैं जितने मैंने देखे हैं आज। तो आप एक बार अपने एंड पे इस पर स्टडी करो। मैंने एक चीज़ और दिखाई है जो आपको बताना चाहता हूँ, इसके लिए मैं एक्सेल में एक चीज़ रखी है। जैसा कि जो ये शेयर है इसकी जो सेल है, ये क्वार्टर रिजल्ट है सितंबर, ये दिसंबर का तक का है, दिसंबर 2019 और दिसंबर 2020, अभी इसका भी इन्होंने अपडेट नहीं किया वो नाम। और इसमें जो आप देखोगे ना, जो इसकी इनकी नेट सेल है वो करीब 20% हाई हुई है, और जो नेट प्रॉफिट है आप कंपेयर करोगे करीब 53% का हाई का आया है। आप यहाँ परसेंटेज चेक करोगे, ये अच्छी चीज़ है। और अगर मैं यहाँ दो आपके लेवल जो मैं लिखे थे हमने स्टॉप लॉस का जो लेवल दिया था हमने 283, और जो हमने वो दिया था 298 रुपये तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है जो